हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज जो मेरी वीडियो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि जो एक मेजरमेंट जो टेप होता है, हम अपने जो बॉडी पार्ट्स हैं उसको लाइक की स्केल की तरह कैसे यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्योंकि एक सिविल इंजीनियर को, एक सुपरवाइज़र को, एक कॉन्ट्रैक्टर को जो मेजरमेंट जो टेप होता है वो हरदम साथ रखना बहुत बहुत मस्ट है, बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। और बट बाय द वे क्या होता है कि गलती इंसान से ही होती है, जब भी मतलब कि जो मेजरमेंट टेप है हमारे पास नहीं है तो हमें एक अप्रोक्स आइडिया हो जाए कि एक रफली आइडिया हो जाए कि हाँ ये चीज़ इतनी हो सकती है। तो हमें अपने जो बॉडी पार्ट्स हैं लाइक हैंड्स, फिंगर को, अपने पैरों को, मतलब फुट को एक मेजरमेंट मतलब मेजर कर लेना चाहिए कि हमें एक आइडिया हो जाए अप्रोक्स। अगर हमारे पास जो मेजरमेंट टेप नहीं है तो हम एक आइडिया लगा सके कि ये चीज़ इतनी हो सकती है। तो टोटली वही सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एक सिविल इंजीनियर के लिए। तो बहुत मस्ट है कि आपको ये चीज़ आइडिया होनी चाहिए कि चीज़ लाइक विदाउट एक मेजरमेंट टेप के ही आपको एक आइडिया लग जाए कि ये चीज़ इतनी हो सकती है, इतनी है, मतलब कि आइडिया अप्रोक्स आइडिया हो जाए। तो वही चीज़ मैं आपको सिखाऊँ दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए, ताकि जो भी मेरी न्यू वीडियो अपलोड करूँ मैं उसका इंस्टेंट आपको नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये चीज़ देखिए, देखिए एक मतलब कि जो हमारी जो हैंड है, हमारा जो हैंड है, एक फिंगर से दूसरी फिंगर का जो डिस्टेंस है वो कितना है हमें पता होना चाहिए। जैसे हम ऐसे करके देख लेते हैं ना ये, तो ये आप अपने हिसाब से कर लीजिए, क्योंकि किसी का हाथ बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है। ये नहीं कि आपने, मैंने यहाँ पे चार लिख दिया तो आपने भी चार ही करना, नहीं। आप अपने हाथ को, ऐसे दोनों फिंगर को जो बीच का जो डिस्टेंस है, किसी का ज़्यादा खुलता है, किसी का कम खुलता है, तो आप मेज़र कर लीजिएगा कि दोनों का जो बीच का डिस्टेंस है वो कितना है। अप्रोक्स 4 सेंटीमीटर है, 5, 6, जो भी वट एवर है, ठीक है। एक तो चीज़ ये, और एक आपको ये चीज़ें देखिए, आपको ये जैसे पूरा हाथ है, ठीक है, ये जो पूरा हाथ है मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये चीज़ आपको आप मेजर कर लीजिए। आपका जो हाथ है वो मतलब कि 4 इंचीज़ का है, 5 का है, 6 का है, कितना है, तो वो आप अपने हिसाब से, किसी बड़ा भी होता है, छोटा भी होता है, तो वो चीज़ भी आप मेजर कर लीजिए कि मतलब सेंटीमीटर में कितना है। जैसे 4 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो सेंटीमीटर में आप लीजिएगा आप अपना ये सारा कि इतना सेंटीमीटर है, इतना 4 इंच है, जो भी है। तो आप ऐसे कैलकुलेट कर ही लोगे, अगर आपका एक चीज़ में आपने मेजर कर लिया कि भाई इंच में है, 4 इंच है, तो उसको आप सेंटीमीटर आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपको पता भी है कि भाई एक इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं, तो आप उसको आसानी से कर सकते हो। आप इंच में लीजिए, सेंटीमीटर लीजिए, जैसे भी लीजिए। तो जैसे आपकी ये फिंगर है, एक फिंगर है, इसकी फिंगर की जो लंबाई है वो कितनी है, तो आपको मैं अभी माप के दिखा देता हूँ। देखिए 3 इंच के, मतलब 3 इंच है। तो जैसे इसकी जो लंबाई है, ऐसे कैसे, तीन इंच बोल देंगे। इसकी जो चौड़ाई है मैंने लिखा भी है, ये जो इसकी यहाँ से यहाँ तक जो चौड़ाई है वो 1 इंच है, ठीक है। और उसके बाद आपका दोस्तों ये पूरा हाथ, जैसे खोलते हैं ना ऐसे, ऐसे ये मैंने खोल दिया पूरा हाथ, ये पूरा, ये आपको बिल्कुल ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि आपका एक ये पूरा हाथ इतने खुलने पर ये कितने इंच है। जैसे जो मेरा ये है पूरा 8 इंच का है दोस्तों, तो आप अपना मेजर कर लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों ये चीज़ यकीन मानिए, आपको कभी ना कभी ये वीडियो अगर आपने देखी है, अगर आप सिविल इंजीनियर है, आपको मेजरमेंट टेप का रिगार्डिंग काम पड़ता है, तो आपको ये वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट अपने काम आएगी। क्योंकि आप कभी ना कभी मेजरमेंट आपके पास नहीं होगा, देन आप अगर आपने अभी ये चीज़ है मेजर कर रखी है अपने हाथों को ऐसे, तो आपको ये ज़रूर हेल्प करेगी। मेरा मतलब कहने मतलब यही है, ठीक है दोस्तों। ये अपना 4 सेंटीमीटर हो गया, ये पूरा हाथ का हो गया आपका 4 इंच का, और आपका एक फिंगर का हो गया, इसकी जो लंबाई है 3 इंच, जो चौड़ाई है इसकी ऐसे 1 इंच, इस पूरा हाथ का ऐसे हो गया 8 इंच, ठीक है। उसके बाद आपको अपने पैरों, जैसे एक जो पूरी, इसके अलावा आपको अपने जो पैर हैं, पैरों का भी मेजरमेंट मतलब कि मेजर करना बहुत बहुत ज़रूरी है। आपका जो लंबा एरिया, हाथ से तो माप नहीं सकते, पैरों से ही आप माप सकोगे, तो आपको ये भी मापना ज़रूरी है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। देखिए दोस्तों, जैसे मेरा ये पैर है,
ये पूरा पूरा 1 फीट का है ये जूता, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए अप्रोक्स कि आपका जो पैर है ये 1 फीट का है, 11 इंच का है, तो उसके हिसाब से आपका लंबा जो एरिया है आप अप्रोक्स एक आइडिया लगा सकोगे। ये चीज़ ज़रूर आप मेज़र कीजिए कि आपको जो पूरा जो शूज समेत है कि आपका कितना है, 1 फिट है, 11 इंच है, तो उसके हिसाब से जितने भी आपके कदम बनते हैं तो आपको कैलकुलेट करके उस ज़मीन का आप एक रफली, एग्जैक्ट तो मैं नहीं कहूँगा बट एक ये है कि आप रफली आइडिया ज़रूर लगा पाओगे कि ये चीज़ इतनी है, जो कि आपको बहुत बहुत हेल्प करेगी विदाउट एक मेजरमेंट टेप के। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस चीज़ की हेल्प मिल सके। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।